एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैंने ये लुक क्रिएट किया, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये ऑफिस लुक है, और अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लग रहा है और आप जानना चाहते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको मेरे वीडियो में चलना होगा। फ्रेंड्स, चलिए मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी। ये प्राइमर NYB का प्राइमर है और बहुत अच्छा प्राइमर है। ये प्राइमर ड्राई स्किन वालों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे, और इसे थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सेट करूँगी। सेट करने के बाद मैं ये अप्लाई करूँगी वेट एंड वाइल्ड का। ये फ़ोटो फोकस कंसीलर है, और मेरा जो शेड है वो मीडियम शेड है। आप देख सकते हो मेरे फेस में कितना सारा एक्ने का मार्क्स है, स्पॉट्स है, उसे हाइड करूँगी। तो उसके हाइड करने के लिए मैं कोई भी ऑरेंज कंसीलर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। ये कंसीलर को मैं डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी, क्योंकि डे टाइम का मेकअप है ऑफिस में, और ऑरेंज जो कंसीलर है वो मेरे फाउंडेशन से मिक्स हो जाएगी और थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा। तो इसलिए मैं सेम कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जो मेरे फेस से मैच करे, स्किन से मैच करे। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे टैप कर लूँगी। देख सकते हो आप, इसे टैप कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, ये हुडा का ब्यूटी ब्लेंडर है ये। उसके बाद मैं ये NYB का फाउंडेशन स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मेरा जो शेड है ये आलमंड शेड है और ये मेरे फेस से बहुत ही अच्छा मैच करता है। और ये जो फाउंडेशन स्टिक है बहुत ही अमेजिंग है गाइस, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आपको ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। ये डे टाइम पे बहुत ही अच्छा फेस पे दिखता है और बहुत अच्छा ग्लो करता है, और पता भी नहीं चलता कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है। और उसके बाद मैं ये कंसीलर अप्लाई करूँगी। ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, और मेरा जो शेड है ये मीडियम टोन के लिए है, फ़ोटो फोकस कंसीलर है ये। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, और जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना था वहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया, फोरहेड पे, अपने आई एरिया पे, अंडर आई पे, और अपनी जॉ लाइन से थोड़ा सा ऊपर और चिन एरिया पे ऐसे ब्लेंड करूँगी, जैसे टैप कर लूँगी फेस पे जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा सेट करूँगी। ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट है, और ये इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और इसे मैं अप्लाई करूँगी इस ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ टी जोन एरिया, जहाँ पे मुझे स्वेट का प्रॉब्लम होगा फेस में आता है वहाँ पे, क्योंकि टी जोन एरिया पे ही स्वेटिंग होती है जिससे मेकअप थोड़ा सा धुल जाता है। इसीलिए मैं इस कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी अपने मेकअप को। उसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर है कॉम्पैक्ट है उसे रिमूव कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श और पैची ना लगे मेरा मेकअप। उसके बाद मैं EDS का आईब्रो पेंसिल लूँगी। ये जो मेरा शेड है ब्लैक है, और इस आईब्रो पेंसिल से मैं अप्लाई करूँगी। ये जस्ट 10 रुपीज़ का आईब्रो पेंसिल है, और बहुत ही अच्छा आईब्रो पेंसिल है EDS का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ज़्यादा देर तक स्टे भी करता है। उसके बाद मैं ऑफ कैमरा अपने दोनों आईब्रो को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट है, इससे मैं अपनी टिप की हेल्प से जो मैंने दो शेड आपको दिखाया वो शेड मैं पिक कर रही हूँ। ये एक्चुअली ग्रे है, मरून और ग्रे दोनों मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है, और मैं सिर्फ इसे अपने आई लिड पर अप्लाई करूँगी फिंगर के हेल्प से। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आईब्रो जो
आईब्रो पेंसिल जो मैंने EDS का अप्लाई किया था उसे मैं हल्का हल्का अपने आईज़ पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली काजल नहीं लगाना है अपने आईज़ पे, और हल्का सा लगना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ लगाया हुआ है। उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू हेवन का मस्कारा है और ये मस्कारा बहुत अच्छा है, ये बहुत देर तक स्टे करता है और बहुत ही अच्छी इसकी ये वॉल्यूम देता है। और उसके बाद मैं ये विटन वाइल्ड का ब्लश है, एक्चुअली ये ब्लश है, ये ओम्ब्रे ब्लश है मेरा जो शेड है, लेकिन ये हाइलाइटिंग का भी काम करता है, मतलब मुझे हाइलाइटिंग और ब्लश दोनों का काम करता है ये, मुझे दोनों मिल गया इस पर। एक्चुअली इसमें सिल्वर पार्टिकल्स है जो थोड़ा हाईलाइट भी करता है, और जो कलर है वो लाइट पिंक है, मुझे हल्का हल्का पिंक अपने चिक को दिखाना था ब्लश में, तो मैंने इसे अप्लाई किया और ये ज़्यादा लाइट भी नहीं दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था फेस पे। उसके बाद मैं ये लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ये जो मेरा शेड है न्यूट लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। और गाइस सीरियसली ये लिपस्टिक बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है, ये मुझे जस्ट 200 समथिंग के अंदर मिल गया था, सॉरी 100 समथिंग के अंदर। और उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी, ये मियोन का सेटिंग स्प्रे है और ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सेट कर लूँगी उसके बाद का ये लुक है। आई होप गाइज आपको ये लुक अच्छा लग रहा होगा, ऑफिस मेकअप लुक। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।